फिल्म के एक सीन को यहाँ से दिखाया गया था। हजारों साल से वीरान पड़े इस खंडर में मैं केवल अकेला हूँ। इस साइड से अगर आगे की तरफ चलेंगे तो ये जो रास्ता है ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको भगत सिंह मूवी के कुछ सीन दिखाऊंगा। भगत सिंह मूवी जो थी इसमें अजय देवगन जी देखने को मिले थे। तो आज की ये जो वीडियो है ये भगत सिंह मूवी के ऊपर आधारित है, जिसके कुछ सीन मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और अभी जो मौसम है ये काफ़ी चेंज है, ठंडी का मौसम है और फोग चारों तरफ है जैसा आप देख सकते हैं। तो वीडियो में क्लियरिटी हो सकती है थोड़ा भद्दी आए तो मैनेज कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं वो सारे सीन जो भगत सिंह मूवी के अंदर में दिखाए गए थे। बाहर से खंडर में तब्दील ये जो किला है ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है और इसी किले के अंदर फिल्म के सीन को शूट किया गया था। और दोस्तों, सुबह का 9 बजा हुआ है और अभी हम पहुंच चुके हैं फोर्ट के पास में, जहां पे फिल्म के सीन को शूट किया गया था। और अभी मॉर्निंग के टाइम पे देख सकते हैं हल्का फुल्का कोहरा भी यहां पे पड़ा हुआ है, जिस वजह से थोड़ा ठंड सी भी लग रही है, लेकिन अभी उतना ठंड नहीं है क्योंकि मौसम कुछ साफ हो रहा है। और लोकेशन तक जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी सकरा है, ये देख सकते हैं। इन सकरी गलियों के सहारे ही मुझे चलना है लोकेशन तक। और ये सामने की तरफ से मेन एंट्री गेट है, जहाँ पे ये देख सकते हैं दो डॉग खड़े हुए हैं। और 14वीं शताब्दी का ये जो किला है ये कुछ बयां करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पुराने पत्थर लगे हुए देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि अब बाहर तो नहीं मिलता है लेकिन जो किले हैं इनके अंदर देखने को मिल जाएगा। ऐसे ऐसे यहाँ पे पत्थर हैं जिनको एक आदमी तो उठा ही नहीं सकता है। अब किस तरीके से उसको इस किले के अंदर फिट किया गया होगा। दोस्तों, फोग बहुत ज़्यादा है जिस वजह से धुंधला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है। और ले चलता हूँ इस रास्ते से ऊपर की तरफ आपको मैं। और ये किला जो है ये 14वीं शताब्दी के आसपास का बना है ऐसा बताया जाता है। और फिल्म के जितने भी सीन थे भगत सिंह मूवी के अंदर वो यहाँ से दिखाए गए थे। ये जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो अभी हम वहाँ पे ले चलेंगे आपको। और कुछ सीन इस साइड वाले स्ट्रक्चर के ऊपर से लिए गए थे और दिखाएंगे वही सारे सीन जो भगत सिंह मूवी के अंदर दिखाए गए थे। और देख सकते हैं मौसम का मिजाज क्या है, इतना यहाँ पे फोग है जिस वजह से दिखाई भी कम पड़ता है, क्लियरिटी आप देख सकते हैं। तो ले चलता हूँ आपको उसी जगह पे, और काफ़ी ऊपर अभी हम चढ़े हुए थे यहाँ पे। दोस्तों, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के अंदर का एक सीन जो होता है वो यहाँ से लिया गया था। यहाँ पे अजय देवगन खड़े हुए होते हैं और अपने दोस्तों से कहते हैं सिर्फ आज़ादी हमारा मकसद नहीं है, और उनके जो यार दोस्त होते हैं वो सारे यहीं पे बैठे हुए होते हैं। स्क्रीनशॉट के जरिए आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे अजय देवगन खड़े हुए होते हैं तो बैक साइड में ये जो पत्थर हैं ये आपको दिखाई पड़ेंगे, और ऊपर साइड से आपको मैं थोड़ा ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। फिल्म के अगले सीन को यहाँ से क्लोज करके दिखाया गया था, जिसमें अजय देवगन के पीछे जो ऊपर होल नज़र आते हैं दीवारों पे ये दिखाई पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट के जरिए आप मैच कर सकते हैं। तो फिल्म के जो सीन थे उसको इसी जगह पे लिया गया था, जैसा लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी के अंदर में दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों फिल्म के कुछ दूसरे सीन थे। अब हम चल रहे हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे फिल्म के अगले सीन को शूट किया गया था। नज़ारा कैसा है ये आप देख सकते हैं। वीरान पड़े इस खंडर के अंदर बहुत सारी मूवियों की शूटिंग होती है। ये जो रास्ता है ये हमें ले चलेगा उस लोकेशन पे जहाँ पे फिल्म के दूसरे सीन को शूट किया गया था। वर्ष 2002 के अंदर जून महीने में द लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी रिलीज हुई थी। इसको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, भगत सिंह मूवी का एक सीन यहाँ से दिखाया गया था। ये जो सामने तरफ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहीं पे वो सारे लोग ऊपर की तरफ हाथ उठा के खड़े हुए होते हैं। और अभी इस स्ट्रक्चर के पास में भी हम चलेंगे तो नीचे स्क्रीन शॉट भी लगा है, वहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं। इसी के ऊपर वो सारे लोग खड़े हुए होते हैं और गाना गाते हैं, झुकाने से नहीं झुकते, डराने से नहीं डरते, कुछ ऐसे करके वो सीन था।
और ये जो है जगह, इसको तुगलकाबाद फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और अगर हम देखेंगे इस साइड से तो ये जगह कुछ इस तरीके से नज़र आती है। ये जो सामने तरफ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहीं पे वो सारे लोग ऊपर की तरफ हाथ उठा के खड़े हुए होते हैं। और ये जो किला है इसको अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से ये नज़र आता है। हालांकि यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो घूमने के लिए आते रहते हैं। कितनी पुरानी इमारत है ये आप खुद ही देख सकते हैं। और ये जो इमारत है इसको अभी सरकार ने अपनी देख रेख में यानी अपने अंडर में रखा हुआ है। और यहाँ पे सामने की तरफ देखेंगे तो काफ़ी दूर में जंगल नज़र आएगा। जंगल के बीच में ये फोर्ट जो है ये बना हुआ है। ये देखिए कितनी जंगल और झाड़ियाँ यहाँ पे उगी हुई हैं। थोड़ा मैं कैमरा इस साइड दिखाऊंगा तो नज़ारा कुछ इस तरीके से नज़र आता है जैसा आप देख रहे हैं। दोस्तों मूवी के जितने सीन थे वो हमने आपको एक एक करके दिखा दिए हैं। आशा करते हैं कि आज की ये हमारी जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई लोकेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद।